नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज हमारी खास पेशकश खरीफनामा में हम अपने देश के किसानों को कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे जिनकी मदद से वो अपनी खेती को और सुगम बना सकेंगे, साथ ही अच्छा मुनाफा भी कमा सकेंगे। आज हम बात करेंगे हल्दी की। जी हाँ, अपने खास औषधीय गुणों की वजह से हल्दी की खास पहचान है। इसमें खास एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। हल्दी को पीसकर दूध में मिलाकर भी पिया जाता है, तो वहीं हल्दी आम लोगों के भोजन का भी अभिन्न हिस्सा है और हल्दी का प्रयोग शुभ कार्यों में भी किया जाता है। इन्हीं सब कारणों से हल्दी की डिमांड बाजार में हमेशा बनी रहती है। दुनिया के कुल उत्पादन में अकेले भारत हल्दी का 80% उत्पादन करता है। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया की कुल खपत की 7% हल्दी भारत से निर्यात की जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि आप हल्दी की बुआई कैसे कर सकते हैं। किसान तक से हुई बातचीत में कृषि विज्ञान केंद्र हमीरपुर के सब्जी विज्ञान विशेषज्ञ और प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफा ने बताया कि हल्दी की खेती का सबसे सही समय खरीफ सीजन है, जिसके तहत किसान मई से 15 जून तक हल्दी की बुआई कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हल्दी की खेती की उपज काफी हद तक किसानों की तरफ से लगाए गए बीजों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। हल्दी के अच्छे बीज सरकारी संस्थानों में बहुत सस्ते दामों पर भी उपलब्ध हो जाते हैं। हल्दी की खेती में लागत, जानकारों की माने तो एक एकड़ में हल्दी की खेती के लिए करीब लगभग 6 क्विंटल बीज की जरूरत होती है। हल्दी की खेती में केवल बीजों पर ही करीब 15,000 से 25,000 रुपए तक का खर्च आता है। वहीं इसकी बुआई से लेकर सिंचाई, खाद और अन्य खर्च पर करीब 20,000 रुपए खर्च होते हैं, यानी एक एकड़ में हल्दी की खेती में करीब 50,000 रुपए तक का खर्च आता है। हल्दी की सही कंदों का करें चुनाव। हल्दी की खेती के लिए जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसे बाग या ऐसी छायादार जगहों पर बोया जाता है। हल्दी की बुआई का सबसे उपयुक्त समय अप्रैल से 15 जून तक है। इसकी बुआई के लिए लाइन से लाइन की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, जबकि 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में बुआई करनी चाहिए। हल्दी बुआई के लिए 6 क्विंटल प्रति एकड़ बीज की जरूरत पड़ती है। मिश्रित फसलों के लिए प्रति एकड़ 4 से 6 क्विंटल बीज पर्याप्त होता है। हल्दी की बुआई के लिए 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा कंद चुनें, जिसमें कम से कम 2 आंखें हों। हल्दी की किस्में और उपज क्षमता। हल्दी की किस्म RH5 के पकने में लगभग 210 से 220 दिन का समय लगता है। इस किस्म के प्रति एकड़ 200 से 220 क्विंटल हल्दी प्राप्त की जा सकती है। वहीं किस्म राजेंद्र सोनिया को तैयार होने में 195 से 210 दिन तक का समय लगता है। इस किस्म से प्रति एकड़ लगभग 160 से 180 क्विंटल तक उपज मिल सकती है। इसी तरह हल्दी की किस्म पालम पीताम्बर से 132 क्विंटल प्रति एकड़ तक उपज प्राप्त की जा सकती है। हल्दी की किस्म सोनिया तैयार होने में 230 दिन का समय लेती है। इस किस्म से 110 से 115 क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा सगुना, रोमा, कोयम्बटूर, कृष्णा, आर, एनडीआर 18, बीएसआर 1, पंत पीताम्बर आदि किस्में हैं। हल्दी का बीज उपचार करना ना भूलें। हल्दी बुआई से पहले कंदों का शोधन जरूरी है। हल्दी बुआई से पहले बीजों का उपचार करें। इसके लिए प्रति लीटर पानी में 2.5 बेकोजेब और कुनालफास डालें। इससे 30 मिनट तक हल्दी का बीज उपचारित करें। उन्हें छाया में सुखाकर बुआई करें। हल्दी में बुआई के तुरंत बाद मल्चिंग बेहद जरूरी है। इसके लिए सस्ते साधन में पुआल का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहली सिंचाई 70 दिन बाद करें, जबकि दूसरी सिंचाई 4 माह यानी लगभग 120 दिन बाद करें। हल्दी के लिए खाद फर्टिलाइजर। हल्दी की बुआई से पहले प्रति एकड़ खेत में 8 टन कंपोस्ट, नीम की खली 8 क्विंटल, नाइट्रोजन 60 किलो, फास्फोरस 35 किलो और पोटाश 35 किलो मिलाना चाहिए। पोटाश और फास्फोरस की आधी मात्रा बुआई से पहले और नाइट्रोजन की आधी मात्रा और बचा हुआ पोटाश पौधों को 60 दिन बढ़वार की अवस्था में देना चाहिए। बुआई के 90 दिन बाद शेष नाइट्रोजन की मात्रा देनी चाहिए। किसानों को मिल सकता है बेहतर लाभ। हल्दी आमतौर पर जनवरी से मार्च अप्रैल तक खोदी जाती है। अगेती किस्में 7 से 8 महीनों में पक जाती हैं और मध्यम किस्में 8 से 9 महीनों में पक जाती हैं। एक एकड़ से 60 से 80 क्विंटल कच्ची हल्दी प्राप्त की जा सकती है। सूखने के बाद 1/4 हल्दी बच जाती है, यानी 60 क्विंटल हल्दी प्राप्त करने से सूखने के बाद 15 क्विंटल हल्दी रह जाती है। किसान 80 से 100 रुपए प्रति किलो के भाव से हल्दी बेच सकते हैं। तो आशा करते हैं हल्दी से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपके अवश्य काम आएंगी। तो आज के खरीफनामे एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे किसान तक। धन्यवाद।